तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा की आज मंगलवार से 2 दिवसीय शिक्षा शुरू हुई है। इस शिक्षा में रशिया, अमेरिका, यूरोप, मंगोलिया सहित देश विदेश सहित कई बौद्ध भिक्षु भाग ले रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई दलाई लामा की इस शिक्षा में भाग लेने में आने वाले बौद्ध भिक्षुओं का उत्साह आज देखने लायक था। जहां एक ओर धर्मशाला व मैक्लोडगंज में देर रात से ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहीं जब मंगलवार सुबह करीब 8 बजे दलाई लामा की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू होने लगा तो तेज तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। लेकिन खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में पहुंचे और दलाई लामा के प्रवचनों को सुना। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एशियाई लोगों के समूह के अनुरोध पर ऑटो कमेंट्री के संयोजक ने चंद्र कीर्ति के मध्य मार्ग के प्रवेश पर पिछले साल की शिक्षा को जारी रखा। अपनी शिक्षा में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि सभी मनुष्यों को इंसानों सहित पशु पक्षियों से भी स्नेह दिखाना होगा। अगर मनुष्य इंसानों और पशु पक्षियों के प्रति अपना स्नेह दिखाता है तो इससे मनुष्य की प्रवृत्ति में प्रेम जागेगा, और जब मनुष्य की प्रवृत्ति में प्रेम की स्थापना हो जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में शांति और अमन का माहौल बनेगा। लेकिन इससे पहले मनुष्य को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। धर्मशाला से निवजित निपी की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धि तेली, मैं मुंबई से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत सालों से मैं यहाँ पे आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इस साल फाइनली पोस्ट लॉकडाउन मेरा यहाँ पे आना हुआ है। बहुत कुछ सीखने मिला है हमारे अटैचमेंट के बारे में, डिटैचमेंट कैसे कर सकते हैं, व्यू ऑन एम्प्टीनेस के बारे में दलाई लामा जी ने जो भी बताया है वो मुझे मेरा आध्यात्मिक जो भी मैं सीख रही हूँ उसमें आगे जाने के लिए बहुत मदद करेगी। सॉरी, क्या कहेंगे गुरुजी को लेकर? जो भी उन्होंने कहा है वो मेरा जो अभ्यास है स्पिरिचुअलिटी में उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यही मुझे लगता है। क्योंकि ये जो आज इनसे सीखा है, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं लेकिन इन पर्सन जो सीखते हैं उससे आपका प्रोग्रेस हो जाता है, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखना है। My name is Timia. Where are you come from? I come from Austria. Today there are lots of people come here, so what are you doing here? I didn't meet any Austrians, but I'm here for the Dalai Lama teaching from his holiness. Yeah. How is it important for you? It's very important for me because I'm on the spiritual path with my husband, and we were searching for some input and getting to know something about Buddhism. Today is a part of this program, so what is your feeling? My feeling to this program? Yeah. Well, I'm very blessed and lucky to be here with all the people, because I think not many have the chance to actually be here in person. Okay. Yeah, so there was so much, so I just have to think about, have a lot to think about now, I think.